बेटा देख, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, सेंटीमेंट आगे बेटा तू मुझे लिख के दे। मैं बेटा मुझे बोलने तो दे, बोलने तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुँचाऊंगा। अपना करियर खराब मत कर मेरे बेटे, लोगों की बात में यहाँ पता क्या बेटे को बेटे। मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तेरी बात पहुँच गई बस। पहले किसान रोड पाए, जवान रोड पाए, धीरे धीरे देखो क्या नहीं होता इस देश में। बहुत कुछ होगा इस देश में, आने वाला टाइम ऐसा होना कोई लड़का आर्मी की तैयारी नहीं करेगा, देश गुलाम होगा। हमारे हमारे ग्राउंड में ना, जी ग्राउंड में हम तैयारी करते थे 1600 मीटर के ना 8 बैच 4-5 बैच भाजते थे ऐसे। कल से जब से टीओडी लागू है ना, एक बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सदमे में सारे। 24 घंटे के अंदर ना कितने 60+ लड़कों ने फांसी लगा ली। उनका सपना नहीं था क्या फौजी बनना? किसी माँ के पता है कितनी माँ का बड़ा कितना बड़ा कालजा होता है अपने लड़के को फौज में भेजना? क्यों नहीं कोई नेता अपने बेटे को भेजता फौज में? पता है गरीब घर का लड़का मेहनत करता है, उनके बस की नहीं है मेहनत करनी। ऐसी नहीं कोई फौजी बनना चाहिए बेटा। देख मैं तेरी बात समझ रही हूं, सेंटीमेंट्स आगे बेटा तू मुझे लिख के दे। मैं बेटा मुझे बोलने तो दे, बोलने तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। अपना करियर खराब मत कर मेरे बेटे, लोगों की बात में यहां पता क्या बेटे को बाप के बराबर हूँ, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तेरी बात पहुंच गई। पहले किसान रोड पाए, जवान रोड पाए, धीरे धीरे देखो क्या नहीं होता इस देश में। बहुत कुछ होगा इस देश में, आने वाला टाइम ऐसा होना कोई लड़का आर्मी की तैयारी नहीं करेगा, देश गुलाम होगा। हमारे हमारे ग्राउंड में ना, जी ग्राउंड में हम तैयारी करते थे 1600 मीटर के ना 8 बैच 4-5 बैच भाजते थे ऐसे। कल से जब से टीओडी लागू है ना, एक बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सदमे में सारे। 24 घंटे के अंदर ना कितने 60+ लड़कों ने फांसी लगा ली। उनका सपना नहीं था क्या फौजी बनना? किसी माँ के पता है कितनी माँ का बड़ा कितना बड़ा कालजा होता है अपने लड़के को फौज में भेजना? क्यों नहीं कोई नेता अपने बेटे को भेजता फौज में? पता है गरीब घर का लड़का मेहनत करता है, उनके बस की नहीं है मेहनत करनी। ऐसी नहीं कोई फौजी बनना चाहिए बेटा। देख मैं तेरी बात समझ रही हूँ, सेंटीमेंट्स आगे बेटा तू मुझे लिख के दे। मैं बेटा मुझे बोलने तो दे, बोलने तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुँचाऊंगा। अपना करियर खराब मत कर मेरे बेटे, लोगों की बात में यहाँ पता क्या बेटे को बेटे। मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तेरी बात पहुँच गई बस। पहले किसान रोड पाए, जवान रोड पाए, धीरे धीरे देखो क्या नहीं होता इस देश में। बहुत कुछ होगा इस देश में, आने वाला टाइम ऐसा होना कोई लड़का आर्मी की तैयारी नहीं करेगा, देश गुलाम होगा। हमारे हमारे ग्राउंड में ना, जी ग्राउंड में हम तैयारी करते थे 1600 मीटर के ना 8 बैच 4-5 बैच भाजते थे ऐसे। कल से जब से टीओडी लागू है ना, एक बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सदमे में सारे। 24 घंटे के अंदर ना कितने 60+ लड़कों ने फांसी लगा ली। उनका सपना नहीं था क्या फौजी बनना? किसी माँ के पता है कितनी माँ का बड़ा कितना बड़ा कालजा होता है अपने लड़के को फौज में भेजना? क्यों नहीं कोई नेता अपने बेटे को भेजता फौज में? पता है गरीब घर का लड़का मेहनत करता है, उनके बस की नहीं है मेहनत करनी। ऐसी नहीं कोई फौजी बनना।